भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन दूसरा मुकाबला खेला गया। दूसरे मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण भारतीय टीम को दिया। टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज और साथ ही उपकप्तान ऋषभ पंत और साथ में ईशान किशन ने की। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया की पारी की शुरुआत हुई और भारतीय टीम को बड़ा झटका तब लगा जब ऋषभ पंत मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 13 गेंदों का भी सामना किया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। भारतीय टीम को पहला झटका 36 रन पर लगा, लेकिन टीम के लिए जरूरी था कि टीम एक बड़ी साझेदारी को बनाए और साथ ही एक बड़े स्कोर तक पहुंचे। इसको लेकर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने जिम्मेदारी को संभाला। आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए ईशान किशन ने 31 गेंदों का सामना किया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 36 रन का योगदान दिया। पारी में उन्होंने 5 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया। 116 से भी ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की। ईशान किशन सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी लय में नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच न्यूजीलैंड के गेंदबाज ई सोडी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए और टीम सऊदी ने ईशान किशन का एक आसान सा कैच पकड़ा। बता दें कि ऋषभ पंत का भी कैच टीम सऊदी ने ही लिया था, लेकिन तब गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन थे। तो यहां पर टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा और यहां से टीम इंडिया के लिए वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। हालांकि टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने टीम को वापसी करवाई और टीम इंडिया एक मजबूत स्कोर तक जाती दिखाई दी। बता दें कि भारत के लिए ईशान किशन ने लंबे समय बाद वापसी की है और 36 रन का योगदान उन्होंने भारतीय टीम के लिए बतौर ओपनर के तौर पर दिया है। भारतीय टीम के लिए ईशान किशन ओपनिंग करते हुए अब आगे नजर आएंगे, तो ऐसे में उम्मीदें फैंस को यही है कि ईशान अब 36 रन की पारी को एक बड़ी पारी तक लेकर जाएं और भारतीय टीम को शुरुआत एक शानदार और बेहतर ढंग से दें। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।